सत श्री अकाल दोस्तों, आपां एक्सरसाइज करते पे हैं 3.1 सैकेंड क्वेश्चन देखते हैं कि ये कहना क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 तीन बल्ले 6 गेंदा खरीदिया, बाद में उसने एक होर बल्ला उस तरह दिन गेंदा 1300 रुपये में खरीदिया। इस स्थिति में बीज गणितक जमायती रूपों में व्यक्त करो। क्रिकेट टीम के कोच ने की किया, मतलब पहले उन्हें बल्ले खरीदे, बल्ले सानू नहीं पता, ठीक है जी। तीन बल्ले तो 6 गेंदा किन्ने खरीदिया? 3900 खरीदिया। तीन देखो, तीन प्लस 6 करके कि 3900 बनता है, कि 3900 बनता है। एक इस तरीके नाल ये तीन मेरे को ने बल्ले ने, 6 मेरे को ने गेंदा ने, है ना। इन समझने की कोशिश करते हैं, पहले तो पिछले बेसिक कंसैप्ट देखते हैं कि है मेरे को। वो कह रहा है कि 3900 उन्हें की खरीदया है, तीन बल्ले तो 6 गेंदा। देखो पहले आप देखते भी खरीद का, जो अभी कोई चीज़ खरीदते हैं तो असं मुल किस तरीके दें, वह मुल किमें दें अं, ठीक है। बेसिक कंसैप्ट यह है, मान लो असी गोभी लैन गए या बिस्कुटा का पैकेट लैन गए, है ना। एक बिस्कुट का पैकेट किन्ने का? 5 रुपए का मिलता है, ठीक है। तो असं किन्ने पैनू पे कि करते हैं, पे कि करते हैं, पैसे किन्ने दे कहने, किन्ने रुपीज़ दे कहने? 5 रुपीज़ दे कहने। दो जो बिस्कुट ने, बिस्कुट का पैकेट, वह असं कि देकर आवेंगे? 10 रुपये देकर आवेंगे, ठीक है। तो टोटल अमाउंट कि टोटल पे कि करना पैदा सूँ? 10 रुपीज़ करना पैदा है। मतलब इतने मेरे को क्वांटिटी, ठीक है जी। इतने मेरे को प्राइस, क्वांटिटी प्राइस, ये मेरे को टोटल अमाउंट, ये बेसिकली फॉर्मूला बन जाता साढ़े को। किन्नी क्वांटिटी ली है, एक का प्राइस की है, ठीक है जी। वह प्राइस की है, फिक्स प्राइस होएगा, तो फिक्स प्राइस होएगा ना, तो टोटल अमाउंट इदा बनती है। जे एक क्वांटिटी है तो प्राइस होता कि 5 रुपये, टोटल अमाउंट कितनी पे करनी पई? रुपीज़ 5। दो क्वांटिटियां लिया तो कितना पे करना पाया? प्राइस तो 5 रुपये पे करना पै रहा, हूँ कि ले लिया? 2 ले लिया, तो कितने देवे असी? 10 रुपीज़। तीन क्वांटिटियां ले लिया तो कितना पे करना पेगा सानू? मान लो 5 रुपये है तो कितना साढ़े को? 15 रुपीज़। इदा ही कह रहे, वो तीन गेंदा लिया, ठीक है जी। कि लिया गेंदा ने? तीन बल्ले ले, सॉरी तीन बल्ले ले, तो की लिया? 6 गेंदा लिया। दोनों जोड़ के कि पे किया उन्हें? 3900 रुपये पे किए, है ना। तो तीन गेंदा के नाल आ हो गई तीन गेंदा, क्वांटिटियां कितनी हो गई? 3। पर प्राइस की है? सानू प्राइस नहीं पता, वो कितना हो गया मेरे को? 3x। क्लीयर चीज़, गेंदा का मुल 3x कितना होया सानू यह भी नहीं पता है। इदा ही गेंदा, गेंदा कितनी लिया? 6 गेंदा लिया। प्राइस कितना सानू नहीं पता, तो गेंदा का प्राइस कितना? y। तो जो मैं 3x का प्राइस, क्योंकि ये देखो जो जे 3 है तो x है, ये मेरे को आएगा ओबियसली 3x ही आएगा ना। 1 × 5 करके 5 आया, 2 × 5 करके, इस करके मैं 3x ले रहा। 3x तो मैं दे देगा बल्लिया बारे, तो 6y मैं दे देगा, प्लस 6y, y कि देगा मैं? 3900। हूँ इतने मैं प्लस क्यों किया है? क्योंकि 3900 रुपये के ही दोनों का मुल छुपया होया है। हूँ यद मुल कि नहीं पता, यदा मुल कि नहीं पता, पर मैं इन्ना पता भी दो चीज़ें खरीदने लिए उन्होंने किन्ने पैसे देने पेने? 3900 रुपये देने पेने। इस करके तुम्हें आह फॉर्मूला याद रखना है, क्वांटिटी गुणा प्राइस के इक्वल होंगे, टोटल अमाउंट के इक्वल होंगे। क्लीयर चीज़, इस तो यह सवाल थोड़ा चलेगा, तो जिन्होंने हूँ आप नॉर्मली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आप कहने मान लो, आप मान लें कि यह दूजा क्वेश्चन है एक्सरसाइज अपने को 3.1। आप कहने भी मान लो एक बल्ले दा मुल की है, 100 रुपये दे विच आ गया ना, क्योंकि क्वांटिटी इंटू प्राइस इंटू टोटल प्राइस, है ना। तो यह प्राइस मतलब कितना पे करना पै रहा, तो 100 रुपीज़ है, क्वांटिटियाँ कितनी ने? 3। तो पे कि करना पै रहा एक्स, तो तुम्हें कितना पे करना पाया? 3x पे करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो एक का मुल कि 3, तो 3 का, तो 3 बल्लिया का मुल, तो 3 बल्लिया का मुल कि हो जाएगा? 3x रुपये, ठीक है जी। इदा ही मान लो एक गेंद का मुल, एक गेंद का मुल, एक गेंद का मुल कि गया? y रुपीज़, है ना। ये भी क्वांटिटी इंटू प्राइस इंटू टोटल प्राइस, क्वांटिटियाँ कि मेरे को 6 गेंदा ने, प्राइस यदा कि y, ये मेरे को आ जाएगा 6y, है ना। तो 6 गेंदा का मुल कि गया मेरे को? 6y। दोनों जोड़ करके उन्हें किन्ने पैसे दिते ने? क्रिकेट टीम के कोच ने किन्ने दिते पैसे? 3x, तो 6y करके उन्हें किन्ने पैसे देने पैने? 3900 रुपये देने पै रहे हैं, ठीक है जी, देने पै रहे हैं। दूजी गल, दूजे की कहता, वह कहना उसने एक होर बल्ला, एक होर बल्ला मतलब कला एक बल्ला, तो उस तरह के तीन गेंदा खरीदियाँ 1300 रुपये के, एक होर बल्ला, फिर मतलब क्या गया? क्वांटिटी इंटू प्राइस टोटल प्राइस। एक होर बल्ला क्वांटिटी कितनी? यदा भी मुल सानू नहीं पता, यह भी कितना हो गया एक्स, पर किन्ने पैसे दिते उन्हें? 1300 रुपये, है ना। ये कल 1300 रुपये नहीं, दोनों मिला के कि 1300 रुपये दिते ने उन्हें?
एक बल्ले ते तीन गेंदां दे ते तीन गेंदां मतलब थ्री इंटू वाई इंटू थ्री वाई इतने तो की आ गया एक्स। दूजी क्वेश्चन की बन गई एक्स प्लस तीन वाई दिन किन्ने देने पै रहा 1300 रुपये देने पै रहे। देखो कई स्कूलों के कई सवालों क्या होंगे आ जी इक्वेशन है ये इक्वेशन अं कर सकते हैं रिड्यूस कर सकते हैं। ये रिड्यूस करना की होंगे इक्वेशन मतलब इक्वेशन छोटी करना की होंगे मान लो जो 3x पिया प्लस 6y पिया प्लस 3900 पिया ये सारी इक्वेशन तीन नाल भाग करते तीन नाल इतों भाग करता तीन ये भाग करता तीन ये भाग करता ये मेरे को बच गया एक्स प्लस ये मेरे को बढ़ गया 2y इज इक्वल टू एक कितने चला गया 1300 13 ये बन गया मेरे को। आ इक्वेशन असी नवा रूप देता आ इक्वेशन की करता नवा रूप दिता जे इक्वेशन नंबर ए वन बनती सी इक्वेशन नंबर टू बनती सी इनू इक्वेशन नंबर वन ना लिख के इनू होर रिड्यूस करके आ बना लिया। अच्छा रिड्यूस करना कोई फर्क नहीं पाया नहीं फर्क पैंदा क्यों असी देखिया सी इक्वेशन दे विच वी ये तकड़ी तरीके नाल काम करदी ने ना इक्वेशन एक तकड़ी तरीके नाल काम करदी ना तो ही इनू असी की कहने बैलेंस करनी ने इक्वेशन असी इंग्लिश ही बोलते हैं बैलेंस करनी ने जिन्ना भार असी देखो इधर जिन्ना भार असी इधर रखांगे उही चीज़ असी इधर रखांगे तो ही इतने इक्वेशन की होगी बैलेंस होएगी ना तो ही इतने इक्वल टू द साइन पैंदा है। जे इधर वाले हिस्से चो 3x ते 6y चो जो भी कुछ पिया है इनू मैं तीन ना भाग कर देव तो इधर कितना पिया है इधर कौन पिया है 3900 पिया मान लो ना मान लो इधर 3900 किलो पिया है इधर कितना पिया है 3x प्लस 6y किलो पिया इनू जे मैं तीन ना भाग कर दिना तो इनू भी तीन ना भाग कर दिना कोई फर्क नहीं पै रहा क्योंकि ये भी तीन तीजा हिस्सा कढ लिया गया है ठीक है ना तीन ना भाग करने का ही मतलब है ये भी तीन ना भाग करके तीन हिस्से कर दते गए तो जो किन्ना कढ़ सकते हैं इस करके इक्वेशन इधर डिवाइड करने कोई फर्क नहीं पैंता। इक्वेशन दे विच जो इधर ऐड किया उही ऐड करो नहीं फर्क पएगा क्योंकि जे मैं इधर 5 किलो भार होर रख दिना तो इधर भी 5 किलो भार होर रख दिना फिर भी इक्वेशन की रहेगी बैलेंस रहेगी बैलेंस मतलब इक्वल रहेगी आ तकड़ी का जिहड़ा आ वाला है ये बिल्कुल सीधा खड़ा रहेगा है ना तो जिहदे विच मैं 5 घटा दिना इहदे विच 5 जमा कर लैं 5 घटा दिना कोई फर्क नहीं पएगा 5 गुणा कर लैंना इधर भी 5 गुणा कर लैंना कोई फर्क नहीं पएगा इधर 5 डिवाइड कर लैंना इधर भी 5 डिवाइड कर लैंना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस करके इक्वेशन की करेंगे रिड्यूस कर लेंगे ताकि साडा सवाल जिहड़ी वैल्यू उही आणगी कैलकुलेशन करके उही वैल्यू आणगी क्लीयर जी। ये तुम थोड़ी जी एक चीज़ दसदा 1/2 कि 2/4 दे इक्वल है कि बिल्कुल तुसीं कहिंदे हो कटिंग करके आ जाता ना 1/2 कटिंग करके नहीं मैं फ्रैक्शन दे विच समझाया है 1/2 दा मतलब की है कि इहदे किन्ने हिस्से करने आ 2 2/4 दा मतलब की है इहदे किन्ने हिस्से करने आ 4 तुसीं 4 चों 2 हिस्से रख लो भावें दोवां दे विचों 1 हिस्सा रख लो फिर भी तुहानूं किन्ना मिलदा पिया अद्धा ही मिलता पाया मतलब 1/2 2/4 इक्वल होंगे ने 1/2 2/4 इक्वल ने यह सेम गल है। देखो पर रूप की है रूप यदा अलग है देखने की है ये अलग है इस तरीके 500/1000 भी की होंगे इक्वल होंगे जे मैं उपरों भी भाग कर दिना है 2 इन्हू भी भाग कर दिना 2 है ना जनू भाग कर दिना मैं 500 के इनू भी भाग कर दिना 500 के कट गया मेरे को आ गया 1/2 आ गया बस यदा रूप फिर उही बन गया समझ ना गल तो दैट मीनस यदा रूप अलग है पर है की है सेम है इधर इक्वेशन दे विच भी मेरे को रहेगा जी मेरे को इक्वेशन से 3x प्लस 6y 3900 जो मैं की कर दाँगा 3 दे नाल भाग कर दाँगा सारी इक्वेशन ठीक है जी फिर जी मेरे को नवी इक्वेशन आएगी वो मेरे को की आ जाएगी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 1300 इहदा रूप बदलता मैं यदि शेप बदलती मतलब शेप तो नहीं कह सकते अपना मतलब यदा मैं जिवें दिखदी किदा पई है वह बदलता पर इहदी वैल्यू हले भी स्टिल उही है ठीक है जी नज़रिया बदलिया देखा एक जी मैं फ्रैक्शन के देखते पे होर कुछ भी नहीं किया अगे साढ़े को होना होंगे फिर हमने क्वेश्चन आप करते हैं सॉल्व करते हैं तो इक्वेशन मेरे को पहले की हैगी तो ये एक्स प्लस 2y 1300 बन गई दूजी क्वेश्चन मेरे को एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 1300 ठीक है जी फिर इनू की करा तुम वाई एक पास रख के सॉल्व करना कि एक्स में एक पास रख के सॉल्व करना तुम्हारी मर्जी है वैसे वाई में रख के करो तो ज़्यादा बैटर है पहले आप इक्वेशन नंबर 1 तो इक्वेशन नंबर 2 सॉल्व करते हैं ये मेरे को है एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 1300 ठीक है जी 2y इज इक्वल टू 1300 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 1300 माइनस एक्स बाय 2 ठीक है जी एक क्वेश्चन में कर लिया रिड्यूस कर लिया हूँ जी इतने मैं 100 भर दा हूँ फिर वही ग्राफ बनाना पैना मैंने इदा एक्स ते वाई एक्स नू 100 भरन ते जो इतने एक्स की वैल्यू कितनी पुट करती 100 पुट करती इन डिवाइड करता 2 नाल ए मेरे को कितना आ गया 1200/2 ठीक है कितना आ गया मेरे को 600 दूजी बारी फिर इन इदा ही सॉल्व करना पैना इतने एक्स की वैल्यू किन्नी पुट कर दें आप 300 भर दें ठीक है जे मैं हम दोबारा नहीं करता भी इदा कर दिना भी 1300 माइनस 300 करके 2/2 मेरे को कितना आ गया 1000/2 कि आ गया मेरे को 500 300 भरन से कि आ गई मेरे को 500 क्लीयर जी चीज़ है हूँ ये मैं की देगा एक ग्राफ दे देगा ठीक है जी 2 पॉइंट है क्योंकि मैं 1 पॉइंट आ लगा 1 पॉइंट यह लगा जो ग्राफ से बनाऊंगा मैं सॉल्व हो जाएगा। दूजा मेरे को वैल्यू की सी दूजी इक्वेशन मेरे को दूजी इक्वेशन है मेरे को
एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू 1300, एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू 1300 इन्हें भी इदा ही कर सकते हैं, थ्री वाई इज इक्वल टू 1300 माइनस एक्स, वाई इज इक्वल टू 1300 माइनस एक्स बाय थ्री। क्लियर चीज़, ये भी फिर मैंने की करना पैना, इदा ही ग्राफ तैयार करना पैना, मतलब टेबल तैयार करना पैना, टेबल के बनाऊँगा। इतने मैं एक्स में की पुट करा, हूँ इतने जो मैं पुट कर देना है 200 या पुट कर देना इतने 100, 1200 आ जाऊगा, इतने भी 100 पुट कर देना, तो 100 पुट करन ते 1300 माइनस 100 बटा 300। क्लियर जी, 100 पुट करते कितना गया मेरे को, 1200 बटा 300, 0 0 कितना गया मेरे को 4। ठीक है जी, तो मेरे को कितना आ जाएगा ये 400। तुसी मतलब कुछ भी तरीके दे नाल इहनू सॉल्व कर सकते हो, तीन के उत्ते कट्टन से 300 नहीं सॉरी तीन इतने तीन कट्टन से, तो मेरे को इतने कितना आ गया 400 आ गया। दूजी वैल्यू मेरे को आती है 1300 माइनस, मैं इतने की पुट कर लेना 400 बटा 3, 1300 400 के कितना बच गया 900, इतने मैं डिवाइड किया तीन दिन कि आ गया मेरे को 300। ठीक है जी, कि पुट करते 400 पुट करते, हूँ मैं करना ग्राफ बनाना है। ठीक है जी, तो हम की तैयार करना है, ग्राफ तैयार करना, तो ग्राफ के जी हम समझने वाली चीज़ है, ये तो बहुत वैल्यू वड्डिया ने ना 100 वाली ने, तो किदा बनावेंगे, देखो तुहाडे कोल इदा ग्राफ हुंदा है, इहनू किदा बनावेंगे, इदा हुंदी लाइन, पहली लाइन, दूजी, तीजी, चौथी, पंजवीं थोड़ी डार्क हुंदी है, छेवीं, सत्तवीं, अठवीं, नौवीं, दसवीं फिर डार्क हुंदी है, ग्यारहवीं, बारहवीं, तेरहवीं, चौदहवीं, पंद्रहवीं फिर डार्क हुंदी है, इदा ही इहदे विच हुंदा है, पहली, दूजी, तीजी, चौथी, पंजवीं फिर डार्क हुंदी है, ग्रीन कलर का ग्राफ हुंदा ना, आप ग्रीन यूज़ करते हैं ताकि तुम ग्राफ की फीलिंग आए थोड़ी जी। ठीक है, तो तेरे को ग्राफ पेपर इस तरीके ना होंगे, तो पंजवीं थोड़ी डार्क, छेवीं डार्क हो जाती है, फिर डार्क हो जाती है, पंजवीं डार्क हो जाती है, थोड़ी डार्क होती है, दसवीं ज़्यादा डार्क हो जाती है। ठीक है, जी हाँ, पहलिया ने जी पहली दस है ना, इन 100 मान लियो, इन 100 मनने का मतलब की है, तुम पहली की मानते पे हो, 10 मानते पे हो। ठीक है जी, तो यह 10 हो गया, 20 30 40 50 60 70 80 90, तो आ बन गया 100। इस तरीके फिर अभी ग्राफ के उत्ते इदा कर लेंगे, बना लेंगे, पहले की मान लेंगे 100, इतने की मान लेंगे 200, इतने की मान लेंगे 300, इस तरीके सारी वैल्यू मान लेना। तो ग्राफ के जी सा वैल्यू हुई वैल्यू पुट करते हैं, तो पहले साढ़े को वैल्यू की है 100 पुट करते, पहले तो की है 100 पुट करते साढ़े को कितना आया सीगा 600 है ना, 100 पुट करते सूँ की मिलेगा सीगा, एक बार 100 पुट करते सूँ मिलता पे 100 200 300 400 500 600, 100 पुट करते की मिलता पे 600, फिर सूँ 300 पुट करते की मिलता पाया 500। ठीक है जी, एक तो लाइन तुहाडे कोल होगी, एक तो लाइन तुहाडे कोल आ चली जाएगी पहले वाली ग्राफ वाली है ना, सॉरी थोड़ा टेढ़ा हो गया, इदा चली जाएगी, ये स्केल ना बनानी है सीधी। दूजी वाली साढ़े कोल आई है सीगा 100 पुट करते साढ़े कोल कितना आया 400, तो एक लाइन इत्थे आ जाएगी, तो 400 पुट करते साढ़े कोल कितना आया सीगा 300। ठीक है जी, दूजी लाइन थोड़ी इदा चली जाएगी, बस आह तुहाडे कोल की बन गया, इहदा सोल्यूशन आ गया, इत्थे पॉइंट लिख देने भी कि इत्थे 100 पुट करते 600, इत्थे लिख देना 100 पुट करते 400, इत्थे 300 पुट करते 500, तो इत्थे तुहाडे कोल कितना आया 400 पुट करते 300। क्लीयर जी, इत्थे इक्वेशन का नाम लिखना, इत्थे इक्वेशन का नाम लिखना, ये इक्वेशन मेरे को पहले वाली आह वाली इक्वेशन मेरे को की हैगी है, यह मेरे को एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू 1300, जी आह वाली इक्वेशन है ये मेरे को की है एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू 1300। बस ये तुहाडे कोल की बन गया, इहदा ग्राफ तैयार हो गया, और तुसीं कुछ नहीं करना है, बस सिंपलीफाई करके, तो मैं पिछले वीडियो लैक्चर दस दिता है कि पता लगे इतने एक्स की वैल्यू की लैनी है, वाई की लैनी है, तुसीं कोई भी वैल्यू ले सकते हो, पहली गल आंसर थोड़ा फ्रैक्शन च नहीं आना चाहिए होंगे कटिंग करके, बस वाई नूं एक पासे रखो, क्योंकि एक्सपुट करन ते तुहानूं की मिलती है वाई, वाई आउटपुट मिलती है, एक्स इनपुट हो गया, वाई तुहाडे कोल की हो गया आउटपुट हो गया। क्लीयर चीज़, ये वीडियो लैक्चर देखने का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।